हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मेरे छोटे से ब्लॉग में आपका हरदम स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अभी आई हूँ छत। अभी का लंच तैयार करके अभी छत आई हूँ। कपड़े तभी सूख गए थे क्योंकि मैंने वॉशिंग मशीन में ही सारे कपड़े को पहले सुखा लिया था, यहाँ फैला दी थी, सारे सूख चुके हैं। मैं छत आई हूँ, अभी लेकर जाऊंगी सारे को। सूख चुके हैं, धूप भी बहुत है। आज मैं मेरे हस्बैंड के जीन्स के पॉकेट में था 50 रुपीज़, नहीं देखी थी, निकाली नहीं थी। वॉशिंग मशीन में जब मैंने कपड़े धोया तो वो पैसे निकल गए थे और पूरे धुल गए थे, थोड़े से फटने बाकी थे और एक तो उसी में रह गए थे। एक दिन वैसे ही हुआ था, 10 रुपये का नोट था और मैं कपड़े धो दी थी, चेक नहीं की थी और 2 टुकड़े हो गए थे पैसे के। तो आप जब भी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोएं तो उसे चेक कर लें एक बार कि पैसे वैसे हैं या कुछ भी। सिक्का उक्का तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, उससे वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाते हैं। वॉशिंग मशीन में जो ब्लेड होते हैं, जो साफ़ करते हैं, वो घूमने वाले, वो ख़राब हो जाएंगे। इसलिए आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि उसको चेक करके ही उसमें डालिएगा। वॉशिंग मशीन बहुत ही काम आसान कर देगा। हमने सुखा के डाले थे तो तुरंत सूख गए हैं कपड़े, लेकिन मैं खाना बना रही थी तो लेने के लिए नहीं आई थी। मैं लेकर जाती हूँ अभी, कपड़े सूख चुके हैं, गिर रहे हैं, हवा भी चल रहा है। तो दोस्तों, मैं कपड़े उठा कर आ चुकी हूँ नीचे। पसीना बहुत लग रहा है, धूप भी बहुत था ऊपर छत में, और मैं कपड़े लेकर आ गई हूँ। अब इसे फोल्ड करके रख लूँगी। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका भी चैनल है खुद का, किसी भी फील्ड में आपका चैनल है, तो आप हमें भी कमेंट बॉक्स में अपना चैनल का नाम बताइए, मैं भी आपको सपोर्ट करूंगी। तो आप कमेंट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये हमारी बिटिया रानी उठ गई है, रो रही है, ई कर दी, ई मम्मा उठ गई, क्या बोली, हंसते एक बार। मैं सुबह बाल नहीं धोई थी, अभी धोई हूँ, सुखा नहीं, इसीलिए खुला रखी हूँ, सूख जाएगा थोड़े देर में। अब खाना खाने का भी टाइम हो रहा है तो हम खाना खाने जाएंगे। आज हमारी ननंद आएगी, हम उनसे भी आपको मिलाएंगे। ये देखिए इसको, अभी 4 मंथ्स होने जा रहा है, ये उलट जाती है ऐसे और ई करने लगेगी, पूरा उलट लेगी। अब मम्मा अनवी, अनवी ई हेलो बोल दे, हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं बोल दे। तो हम अब खाना खाने जाते हैं, खाना खाने का टाइम हो गया है। हाय दोस्तों, अभी शाम का समय है और मैं आ गई हूँ दुकान। मेरे हस्बैंड नहीं थे दुकान में तो मैं दुकान आ गई। तो मैंने सोचा आप सभी से भी दुकान में ही बात कर लेती हूँ। ये हमारा दुकान है, तो आपको पता है एक दुकान चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, कि हमें क्या चाहिए। एक दुकान चलाने के लिए हमें सामान तो चाहिए ही, और सामान की क्वालिटी भी चाहिए ही, सामान में हमें अच्छी रेट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें अपना बिहेवियर बहुत ही नरम रखना चाहिए, बहुत ही अच्छा। आपको कस्टमर से
बहुत ही अच्छी तरह से मैनर्स से ही बात करनी चाहिए। गुस्सा भी आ रहा है तो उसे आपको संभाल के रखना चाहिए। तो बहुत गर्मी लग रही है, मैंने फ़ैन बंद कर दिया क्योंकि आप लोगों से बात करनी थी मुझे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैंने आप लोगों को बताया कि बिहेवियर सबसे अच्छा होना चाहिए। तो अगर आपका जो मार्केट है, अगर आपके कस्टमर हैं और आप उनसे अच्छी तरह से बिहेव नहीं करोगे तो वो आपका दुकान, आप जैसे 50-100 अगर इतने भी डिफरेंस में अगर कम रेट में भी सामान देते हो तो आएंगे नहीं। और अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो आप 10-20-50-100 इतना भी ज़्यादा लेते हो तो आपके बिहेवियर के चलते लोग आपके पास आते हैं। तो आपको अपना बिहेवियर बहुत ही अच्छा रखना है और अपना सामान में क्वालिटी भी कस्टमर को देना है ताकि उन्हें आप पर बिलीव हो। आपको दुकान चलाने के लिए अपना बिहेवियर, क्वालिटी और कस्टमर की मांग के अनुसार हर सामान एक ही दुकान में मिल जाए तो वैसे में कस्टमर आते हैं हमारे पास। तो जैसे आपका मांग होता है उसी तरह से हमें अपनी दुकान में सामान भी रखना चाहिए।